हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ तैयार करूंगा पनीर भुर्जी की रेसिपी तैयार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। देखिए इस प्रकार से आपने जितना क्वांटिटी लेना है, जितना क्वांटिटी में बनाना है उतना आपने पनीर ले लेना है। अब ने इसे स्लाइसों में, पतले स्लाइसों में, 2-3 स्लाइस हमने यहाँ पर निकाल लेना है और इसको हम यहाँ कटिंग करके डालेंगे और बाकियों को हम इसमें क्रश करके डालेंगे। आपने मोटी वाली जाली लेना है, बारीक वाली ले ही लेना है, नहीं तो चिपक सकते हैं, आपस में चिपक जाता है पनीर, तो इसलिए हमने यहाँ मोटी वाली जाली लिया, उससे कद्दूकस कर लेंगे उससे। और देखिए हमने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप भी कर लिया है पनीर को, जो हमने स्लाइसों में काट के रखा था उसे। और ये देखिए अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स कर लेना है आपने, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पर बन सके पनीर भुर्जी। और देखिएगा इस प्रकार से हमने यहाँ पर शिमला, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को भी हमने यहाँ बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पैन लेंगे। पैन में आपने एक बड़ा चम्मच ऑयल लेना है। ये देखिए हमने ऑयल भी ले चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जीरा ऐड करेंगे, जीरा को थोड़ा सा चटकने देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन आपने एक चम्मच लेना है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे पका लेंगे थोड़ा सा, आपने ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, लहसुन का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो थोड़ा कम पकाएंगे हम यहाँ इसे। और साथ ही में हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, इससे क्वांटिटी भी बढ़िया होगी और बहुत खाने में भी टेस्ट आता है। तो इसे लगभग थोड़ा सा हमने यहाँ पर पका लेंगे, 2-3 मिनट आप पकाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर गार्लिक, देखिए बिल्कुल हरी मिर्च और अदरक हमने भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है यहाँ पर, उसे भी अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से, देखिएगा। और साथ ही में थोड़ा सा पक जाने के बाद में उसे हम यहाँ पर शिमला मिर्च, देखिए आप रेड येल्लो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ग्रीन शिमला मिर्च ही यूज़ किया है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर साथ ही में हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि कलर भी बढ़िया आ सके। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है, ज़्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे। और इसे भी अच्छे तरीके से पका लेंगे हम यहाँ पर, देखिए लगभग हमारा पक चुका है यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में हम यहाँ साथ ही बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी कुछ समय के लिए पकाएंगे हमने यहाँ पर। सब्जियों को गलाने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, देखिए इस प्रकार से, और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि सारी सब्जी अच्छे तरीके से गल सके। और लगभग हमारे यहाँ सारी सब्जियाँ गल चुकी है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर पनीर ऐड करेंगे, हमने जो क्रश करके और कटिंग करके जो रखा था उसे यहाँ पर मिला लेंगे अच्छे तरीके से, देखेंगे इस प्रकार से मिला लेना है अपने। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे मिलाएंगे ताकि आपस में नीचे चिपके ना और बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ मिल सके। और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चला लेना है, सारी सब्जियों में देखिए मसाले मिला लेना है। और हम थोड़ा सा और हल्दी पाउडर लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक लिया है। हमने यहाँ पर टेस्ट करके देखा, नमक थोड़ा कम लग रहा था तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और लिया है। और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है आपने बिल्कुल, तो इसका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर पनीर भुर्जी बनकर रेडी हो चुका है। और हम इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं, लगभग 4-5 मिनट इसे पकाएंगे तो हमारे यहाँ पर पनीर भुर्जी बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा पनीर भुर्जी बनकर रेडी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसे सर्व करेंगे, सर्व किस प्रकार से करना है देखिए। तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं। और उसके बाद में देखिए लगभग हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पनीर भुर्जी बनकर रेडी है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा जोरदार टेस्ट आएगा, खाने में भी बढ़िया लगेगा। एक बार इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।